हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल. दिस इज वर्षा रानी हियर. आज हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर शुरू कर रहे हैं और इसमें भी स्पेसिफिकली कश्मीर की हिस्ट्री हम कवर करेंगे. तो एक नज़र सिलेबस पर डालते हैं जिसमें कि जम्मू कश्मीर वाले टॉपिक हैं. जम्मू कश्मीर के टॉपिक देखो तो हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में हमें वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा एंड फाउना देखने हैं. यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, देखो ये जो ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, या तो क्वेश्चन आता है कि सर्दियों में जो बारिश होती है उसका कारण क्या है, या फिर पूछ लेंगे कि सबसे कम बारिश किस मंथ में होती है या सबसे ज्यादा बारिश किस मंथ में होती है कश्मीर डिवीजन में या जम्मू डिवीजन में, इस तरह पूछा जाएगा. या फिर सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, कौन सी इनमें से लेक है जो टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुई है, शिकारा कौन सी लेक में चलती है, फिर कश्मीर का स्टेट एनिमल कौन सा है, इंडेंजर्ड स्पीशीज इनमें से कौन सा है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा जानवर होता है, ये वाली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से रीजन में है, इस तरह कुछ भी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के बारे में कुछ भी स्पेशल है वो पूछा जा सकता है फ्लोरा एंड फाउना के में से, और क्लाइमेट में से भी कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ पे है इन रीजन में से, वेदर के अंदर भी काफी सारी डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे कि बारिशों का पैटर्न होता है या बर्फबारी या जो भी चीज. क्रॉप्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार देखे गए हैं क्रॉप्स, जो मेन क्रॉप्स हैं उनके साइंटिफिक नेम्स तक पता होने चाहिए. अच्छा, तो हेरिटेज एंड कल्चर, तो इसका तो पता ही है, यहाँ का जो कल्चर है या जो आर्ट्स वगैरह है, विजुअल आर्ट्स या फिर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं, पेंटिंग्स, डांस वगैरह, फिर इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती हैं, तो जम्मू कश्मीर टूरिज्म के लिए जाना जाता है वैसे तो, बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे डेस्टिनेशन है, इनके बारे में भी देख लेंगे. तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कि ये जो जगह है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, या किस सिटी के पास है, किस रिवर के किनारे पे, या ये जो मस्जिद है ये किस सदी में बनाई गई थी, या फिर ये किसने बनाई थी, किस चीज के लिए फेमस है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट 2019, इन ये जो 6 टॉपिक्स हैं इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे. आज के वीडियो में स्पेसिफिकली हमने हिस्ट्री को उठाया है. हिस्ट्री में हमें पास्ट के लोगों के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखना होता है, पॉलिटी मतलब, और इकोनॉमी, और पॉलिटी इकोनॉमी और रिलीजन्स वगैरह. तो जो पास्ट के लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन, क्योंकि जब राजा भी नहीं थे तब भी ऑक्यूपेशन, तो लोगों की ऑक्यूपेशन क्या थी, क्या वो बिजनेस कैसा करते थे या किस तरह से वो रहते थे, वो सब चीजें हिस्ट्री के अंदर हम कवर करते हैं. और हिस्ट्री, अगर मैं इसे हिस्ट्री मानूं, यहाँ पे हिस्ट्री उस पार्ट को बोलते हैं पास्ट के जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड होता है, रिटन रिकॉर्ड होता है. तो हिस्ट्री से पहले वाला जो फेज था वो था प्रोटो हिस्ट्री का. प्रोटो हिस्ट्री मैं बताती हूँ एक एक करके ये क्या है, और फिर इससे भी पहले वाला जो पार्ट था वो था प्री हिस्ट्री. अब आप बोलोगे ये दो क्या है. देखो, हिस्ट्री तो वो है जिसका रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास, चाहे सच्चा चाहे झूठा चाहे जैसा भी, टूटा फूटा, पर रिटन तो है, हमें पढ़ना तो आता है क्या लिखा है. प्रोटो में क्या है ना, लिखा तो है लेकिन हमें वो स्क्रिप्ट ही पढ़नी नहीं आती, तो नॉट डेसिफर्ड येट, उनकी जो स्क्रिप्ट है उसे हम अनकोड डीकोड नहीं कर पाए हैं, नॉट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट. एग्जांपल देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ना, बहुत एडवांस थी ये भी, और इन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन हमें नहीं पता वो क्या लिखते थे, उनके जो वो स्क्रिप्ट होती है, लिपि होती है, वो हमें नहीं पता चली, तो वो प्रोटो हिस्ट्री में हम उसे काउंट करेंगे. और प्री हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है रिटन में, लेकिन वो लोग थे बहुत सारे बर्तनों से, बहुत सारे स्केलेटन से, बहुत सारी जो एक्सकेवेशन करी गई हैं टाइम टू टाइम, उनमें पता चला है कि प्री हिस्ट्री के टाइम में इंसान ऐसे 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 रहता था, तो ये चीजें हमें पता चली हैं. देखो, प्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ देख लेती हूँ, क्योंकि कश्मीर का भी हमने प्री हिस्ट्री के टाइम से शुरू करना है. तो प्री हिस्ट्री में क्या था ना, ये भी डिवाइड करते हैं हम कुछ फेजेस में. प्री हिस्ट्री के हम मेनली 3 फेज बनाते हैं, पेलियोलिथिक,
देखो आज इसका बेसिक लेक्चर है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, आगे आगे भी बहुत स्मूथ जाएगी आपकी हिस्ट्री, देख लेना। पेलियोलिथिक, फिर आती है मीजोलिथिक, और फिर आती है नियोलिथिक। देखो नियोलिथिक के बाद ही फिर जो है प्रोटो हिस्ट्री आती है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, उसके बाद वैदिक वैदिक एज आती है, और वैदिक एज के बाद मतलब ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर जो एम्पायर्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे मौर्यन एम्पायर हो गया, तो 300 BC, 300 जो BC है ना, इसके बाद का जो टाइम है उसमें कश्मीर में भी हमें बड़े बड़े मतलब किंगडम देखने को मिलते हैं, और इंडिया के अंदर भी हमें जैसे मौर्यन एम्पायर हो गया, उसके बाद फिर गुप्ताज आए, हुंस वगैरह, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन हम प्री हिस्ट्री की देख रहे थे अभी हम, पेलियोलिथिक में क्या था ना, लोग जो थे इन्होंने अभी फायर डिस्कवर कर ली थी, फायर डिस्कवर कर ली थी। अगर मैं टाइम टाइम की बात करूं तो कम से कम भी 2 मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन ईयर्स पहले से पेलियोलिथिक जो है टाइम चल रहा था। तो कब तक, अबाउट 10,000 BC तक। ये BC क्या होता है, देखो ये BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा मान सकते हैं उसको, या क्राइस्ट। जब शुरू किया गया था बिफोर क्राइस्ट के नाम से था, लेकिन आगे आगे जब बाकी देशों ने भी देखना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि हम इसको कॉमन एरा बोलेंगे। आप देखते हो ना एक जगह पे लिखा होता है, तो इस तरह वाला जो है ना कॉमन एरा, ये वाली एक मेन एक कॉमन एरा माना। इसके बाद यानी जब क्राइस्ट पैदा हुए थे उसके बाद का टाइम हम पॉजिटिव में गिनते हैं, उसको हम AD भी बोलते हैं और CE भी बोलते हैं, कॉमन एरा या करंट एरा CE के लिए, और BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर करंट एरा। तो इस तरह वाले जो साल हैं तो इनको हम BC में लिखते हैं, मतलब ये जो उनके बर्थ से पहले वाले साल हैं। तो 10,000 BC तक BCE लिख लेती हूँ बेसिकली। तो मीजोलिथिक थी, मीजोलिथिक एक शॉर्ट पीरियड था, तो ट्रांजिशन फेज था नियोलिथिक में और पेलियोलिथिक में। तो उसके बाद 8,000 BCE के बाद, जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं आ गई, मतलब लगभग 2-3, इसका इसका जो अगर अब टाइम देखना चाहते हो तो ये रख लो कि कम से कम 2,000 BC या 3,000 BC तक, 3,000 BC तक। पर इसके कोई एंडिंग नहीं है, क्योंकि एंड में ना कोई ऐसी रेखा नहीं है जो इसको बिल्कुल ही डिवाइड कर देती हो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्योंकि इसमें कुछ मिक्स आता है इंडस वैली के साथ, इसका मिक्स कुछ फीचर्स आते हैं। अच्छा, तो पेलियोलिथिक की बात कर रहे थे हम, फायर की डिस्कवरी हो गई थी और बड़े बड़े टूल्स थे, बिग बिग टूल थे और कोर्स टूल थे, वो बिग टूल थे। जैसे बड़ा सा पत्थर उनको रास्ते में मिल गया तो उनको हथियार बना दिया, बोन्स और स्टोन्स के ये टूल बनाते थे। मैं हर चीज यहाँ पे बोन्स और स्टोन्स के, आपको यहां से क्या याद रखना है, फायर की डिस्कवरी हो गई थी और बड़े बड़े हथियार थे, कोर्स हथियार थे, फाइन नहीं थे। मीजोलिथिक में इन्होंने क्या किया, छोटे 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 हथियार हो गए इनके, नोकीले थे, छोटे छोटे टूल्स थे इनके पास और फाइन टूल थे अब इनके पास, और इन्होंने जानवरों को डोमेस्टिकेट करना भी शुरू कर दिया था। अब देखो पहले वाले में तो अभी ये वानरर्स थे, गैदरर्स थे, अभी भी वानरर्स हैं, लेकिन जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया है। पहले सिर्फ जानवरों को मार के खाते थे, अब इनको डोमेस्टिकेट भी कर रहे हैं। अब नियोलिथिक में क्या खास हुआ, नियोलिथिक का एक ऐसा फेज है, ऐसा ऐसा आपको मिलेगा जो इंसानों की मतलब तरक्की में सबसे जो बड़ा पॉइंट है ना वो ये है, कल्टीवेशन। इंसानों ने कल्टीवेशन करना सीख लिया, अनाज को उगाना सीख लिया, इसकी वजह से अब अच्छी अच्छी सेटलमेंट्स करना शुरू कर दी इंसानों ने, सेटलमेंट्स ठीक से बनने लगी, गांव बने, सिटीज बने और सिविलाइजेशंस बनने शुरू हुए। इसके लेटर फेज में सिविलाइजेशन बनना शुरू हुए, और मेटल्स का यूज करना भी इन्होंने सीख लिया था। इनके पास व्हील्स थी, पॉटरी व्हील थी इनके पास, जिसके जिससे ये इन्होंने बर्तन बनाए हैं मशीन से। तो एडवांस हो गए थे नियोलिथिक वाले। तो मैं यहाँ पे ये सब चीज क्यों बता रही हूँ आपको, आप सोचोगे कि कश्मीर की हिस्ट्री से इसका क्या कनेक्शन है, तो मैं बताती हूँ कि क्या कनेक्शन है। जो पेलियोलिथिक में है ना, कश्मीर में कुछ पेलियोलिथिक साइट्स मिले हैं। अच्छा, तो लिथिक का मतलब क्या है, इतना हमने लिथिक लिथिक देख लिया, लेकिन लिथिक का मीनिंग क्या होता है। लिथ मतलब होता है स्टोन, मैं आपको यहां पे बता देती हूँ, लिथ मतलब होता है स्टोन।
लिथ का मतलब है स्टोन। तो शुरुआत में इन्होंने बड़े बड़े हथियार बनाने शुरू किए थे ना पहले, तो वो पेलियोलिथिक थी, फिर मेजोलिथिक आई, शार्प स्टोन्स के टूल बनाने शुरू किए, और फिर आगे आगे उन्होंने स्टोन्स के साथ में पॉटरी भी शुरू कर दी। और क्योंकि मेनली इनके जो हथियार थे स्टोन से बनते थे, इसलिए हमने लिथिक लिथिक इनके लिए यूज किया वर्ड। अच्छा, तो कश्मीर से इसका क्या कनेक्शन है कि पेलियोलिथिक, तो कश्मीर में कुछ पेलियोलिथिक साइट्स मिले थे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करने के बाद, पेलियोलिथिक साइट्स इन कश्मीर। तो मैं सारे नहीं करवाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं मैं उनके बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। 1969 में एक्सकेवेशन किया गया था जो एच डी शंकरिया, ठीक है। शंकरिया तो कहाँ पे? पहलगाम में। पहलगाम में ये एक साइट है, पहलगाम में साइट जो मिली थी ये पैलियोलिथिक थी। यहाँ से इनको पैलियोलिथिक साइट के जो जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं वो उनको वहां से चीजें मिली थी, ठीक। और फिर बालापुर में मिली थी। बालापुर कहाँ पे है ये? शोपियान में। शोपियां में यहाँ पे मिली थी। डीपी अग्रवाल ने यहाँ पे एक्सकेवेशन करी थी, डीपी अग्रवाल ने। तो ये कुछ पैलियोलिथिक साइट्स मिले हैं कश्मीर के, और नियोलिथिक भी हैं। नियोलिथिक अगर मैं बताऊं तो नियोलिथिक साइट्स जो कश्मीर में मिली हैं, नियोलिथिक साइट्स में बुरजाहोम मिली है सबसे पहली साइट। ये पेपर में आता है बुरजाहोम साइट्स, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। और एक और दूसरी जो खास है काफी, उसका नाम है गुफ क्राल, गुफ क्राल एक साइट मिली है। तो गुफ क्राल कहाँ पे है? त्राल में है। और जो बुरजाहोम है ये भी श्रीनगर में ही है, ये डल के पास ही बुरजाहोम। तो यहाँ पे मिला क्या है बेसिकली, ब्लैक यहाँ पे लोग पिट में रहते थे, पिट ड्वेलिंग में लिख रहे हैं, यहाँ पे पिट में रहते थे। और ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी मिली है यहाँ से, ब्लैक पॉलिश्ड की पॉटरी मिली है। अच्छा, तो एक मिनट, इनके बारे में और चीज जो थी, बुरजाहम जो थी ना, एच डी टेरा 1935 तब एक्सकेवेशन हुई थी, तब ये मिली थी। सबसे पहली नियोलिथिक साइट कश्मीर में बुरजाहोम है, बुरजाहोम। और दूसरी जो थी इसमें पिट ड्वेलिंग थी, मतलब लोग खड्डे खोदते थे जमीन के अंदर, उनके अंदर रहते थे। तो गुफ क्राल में क्या था, गुफाओं में रहते थे लोग। यहाँ यहाँ से क्या मिला है हमें? एग्रीकल्चरल कुछ टूल्स मिले हैं पता चला है, और ये पता चला कि वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है। तो एनिमल्स वगैरह का, और ये पता चला कि वो जो एग्रीकल्चर में क्या करते थे, वीट के सीड मिले हैं यहाँ से, लेंटिल्स, ये अनाज हैं सारे ही, लेंटिल्स होती है या तूर दाल, तो बार्ले, इस तरह की यहाँ से सीड्स मिले हैं। गुफ कराल, गुफ कराल इनके, मैं आपको इमेजेस दिखा देती हूँ, ये हैं क्या देखो, गुफा गुफा के अंदर ये लोग ऐसे रहते थे ना। तो ये वाली जो है ना, ये गुफ गुफ क्राल है। और ये जो पॉटरी मिली है कई, ये ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी है, देख लेना, ये बुरजाहोम की ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी है। बुरजाहोम वाले लोग कहाँ रहते थे? पिट के अंदर रहते थे, खड्डे बड़े बड़े खोदते थे, उनके ऊपर छोटा सा एक बाहर अंदर जाने के लिए ओपनिंग रहते थे, और अंदर एक बड़ी सी स्पेस होती थी, उसके अंदर वो रहते थे। इसके अंदर कई बार डिजाइन भी देखने को मिलते थे, डिजाइन वगैरह भी होते थे इनकी पॉटरी के ऊपर। तो ये बहुत ही मतलब फीचर है यहाँ का, और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल प्री हिस्ट्री वाले टाइम में लिया है। अच्छा, तो उसके बाद हम अगर कश्मीर की हिस्ट्री को डिवाइड करें, मतलब जो हिस्ट्री है रिटन जहां से शुरू होता है ना पार्ट, अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसको भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, एक एंशंट, दूसरा मिडीवल, मिडीवल के बाद आया मॉडर्न। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको क्लासिफाई इस तरह क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें आसानी हो इसको पढ़ने में। ऐसे ही आप, मैं लिस्ट बता दूंगी, ये राजा फिर ये काम हुआ, ये राजा ये, तो आप ना थोड़ा हौचपौच हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि पहले कौन था बाद में कौन था। तो मैं एंशियंट में बता दूंगी कौन कौन थे, मिडीवल में कौन कौन थे, मॉडर्न कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो आपको सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करो जब चीजों को, तभी समझ में आएगा।
आप एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हो, रिवर सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो हमें हर एक स्टेट के 10-10 रिवर उठा के, 20-20 रिवर उठा के, हर एक रिवर के बारे में मैं आपको सारी सारी जानकारी देती। कम से कम भी 400 रिवर होते, 40 वीडियो बनते, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आपके एग्जाम में जो पूछा जाना है वो वही है जो हमने पढ़ा दिया है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम हिस्ट्री के साथ भी वही चीज़ करेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हिस्ट्री के हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए, हम वही करेंगे यहाँ पे। तो हिस्ट्री आपका एंशंट एंशंट गोनंदा से लेकर, गोनंदा वन से लेकर हम इसको मानते हैं हुंस तक, हुंस रूल तक। हुंस के बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा जो नाम दिया है उन्होंने उसको हम मानते हैं। उसके बीच में कौन कौन आते हैं यहाँ पे, मौर्यन, अभी मैं नाम इनका डेट नहीं बताऊंगी सबकी, ठीक है। तो मौर्यन आते हैं और फिर कुशन आते हैं, कुशंस, कुशंस के बाद थोड़ा सा हुन जाते हैं और ये उसके बाद थोड़ा सा मतलब इनकन्सिस्टेंसी है डेटा के अंदर। तो फिर मेडिवल टाइम आता है, मेडिवल टाइम हुन्स, हुन्स के बाद यहाँ पे ना करकोटा आ जाते हैं, करकोटा, करकोटा। तो करकोटा में, करकोटा तक जो है ना एंशियंट टाइम, अप टू करकोटा डायनेस्टी, इसको हम एंशियंट हिस्ट्री मानते हैं जम्मू इस कश्मीर की, ठीक है। तो करकोटा के बाद कौन आता है, उत्पल। तो उत्पल डायनेस्टी जो है, उत्पल से लेकर जो आते हैं हमारे पास मुगल तक, इसको हम मेडिवल टाइम मानते हैं हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, फिर अफगान्स पढ़ेंगे, सिख पढ़ेंगे और डोगरा पढ़ेंगे। ये चीजें आई कश्मीर की इस हिस्ट्री के रिलेटेड। अब बोलोगे मैंने यहाँ पे नाम क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इतने ज्यादा नाम है आप यहाँ लिख के क्या करोगे, जब हम मेडिवल सेक्शन पूरा देखेंगे ना तभी देखेंगे हम इसको। आपको थोड़ा थोड़ा ये आइडिया लेना था वैसे तो कि हमने किस तरह से चीजों को डिवाइड करना है और कहाँ तक करना है। अगर आपको आइडिया चाहिए ना इनके, तो करकोटा डायनेस्टी खुद सोचो आप, करकोटा डायनेस्टी जो थी ना ये चली थी लगभग 855 एडी तक की चली थी, ठीक है। 500 प्लस 550 एडी में लगभग ये शुरू हुई थी। मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ा दूंगी, आपको यहाँ डेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, आगे आपको ये डेट वाइज दिखा दूंगी मैं। तो 800 के बाद जो थी ये 855 एडी के ऑनवर्ड उत्पला चली थी, और फिर चलते चलते ना और भी बीच में डायनेस्टीज आए थे। आपके फेवरेट फेवरेट जो लीडर्स इनमें आए हैं, कल्हना ने भी जिनके टाइम में लिखा है, वो सब यहाँ पे आए। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में अफगान, सिख, डोगरा आपको पता ही है। तो मैं आगे आपको ये अच्छे से पढ़ा दूंगी, जो मिडीवल है वहाँ उनका भी सिक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। तो पहले अफगान थे कि सिख थे कि डोगरा थे, सिक्वेंस पूछा जाएगा, आपको करेक्ट वाला टिक करना होता है। तो हम एंशेंट से शुरू करेंगे आज, ठीक। तो एंशियंट हिस्ट्री के सबसे पहले तो सोर्स देख लेते हैं हम पता कैसे चला एंशियंट हिस्ट्री का, तो क्योंकि हम तो तब थे नहीं ना, तो हमें कैसे पता कि कौन सी चीज। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो नीलमत पुराण, नीलमत पुराण। इसको आप वो जो 18 पुराण होते हैं ना, 18 पुराण होते हैं, तो उनका पार्ट नहीं है ये, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ दिस। नीलमत ये कहते हैं कि कश्मीर में एक राजा था, सबसे पहला जो राजा हुआ था कश्मीर का, जब ट्राइब यहाँ पे रहती थी, नागा ट्राइब रहती थी यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस नीलमत पुराण नागा ट्राइब रहती थी यहाँ पे। तो उनका जो राजा था नीलमत उनका नाम था, तो उनके उनकी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए इसको नीलमत पुराण बोला गया है। ये नीलमत पुराण के ही अंदर लिखा हुआ है, ओके। तो एक ये सोर्स होगा नीलमत पुराण, लेकिन इसको हम हिस्टोरिक टेक्स्ट नहीं मानते, क्योंकि इसके अंदर जो डेट्स नहीं लिखी हुई है एग्जैक्टली, क्रॉनिकल ऑर्डर नहीं है, क्रोनोलॉजी नहीं है, मतलब क्रोनोलॉजी मिसिंग अगर होगी ना तो हम उसको हिस्टोरिक टेक्स्ट नहीं मानते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, तो हम कैसे उसको समझेंगे, कैसे हमें समझ में आएगी चीज। इसलिए नीलमत जो पुराण है हम उसे पहला हिस्टोरिक टेक्स्ट नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ पहला हिस्टोरिक जो टेक्स्ट है वो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी जो है कल्हण ने लिखी थी, कल्हण की राजतरंगिणी जो है, इसको पहला हिस्टोरिकल सोर्स माना जाता है। और इन्होंने डेट वाइज चीजें लिखी हैं, अच्छे से लिखी हैं सारी सारी चीजें। तो अब कश्मीर की अगर हम बात करें, राजतरंगिणी के बारे में हम आगे फिर से देखेंगे, क्योंकि
जहां जहां जिस राजा के टाइम में उन्होंने लिखा है, उसके बाद उसके फिर और वॉल्यूम आए हैं, वो सब चीजें हमें इसके बारे में फिर से जाननी है। लेकिन आप पहले सोर्स देख रहे थे ना कि सोर्स क्या क्या है। तो नीलमत पुराण हो गया, कलहन की राजतरंगिणी हो गई, फिर इंस्क्रिप्शन मिले हैं कुछ यहाँ से पुराने, कॉइन्स मिलते हैं, कॉइन्स से हमें मालूम चलता है कि यहाँ पे कौन कौन से राजा हुए होंगे या लोगों की इकोनॉमी किस तरह की थी। मॉन्यूमेंट्स से पता चलता है पुराने जो भी एक्सकेवेट करके मिले हैं, या फिर जो अभी भी अगर कुछ मिलते हैं मॉन्यूमेंट्स के विशेष, तो उससे मालूम चलता है। हिस्ट्री का ये सोर्सेज होते हैं, इंक्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, नीलमत पुराण और राजतरंगिणी, ये यहाँ के खास खास सोर्स हैं जिनसे हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में मालूम चलता है। अब कश्मीर का मतलब संस्कृत में अगर देखें तो का मतलब होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है वैसे, का मतलब है वॉटर, और शमीरा का मतलब डेसिकेट, मतलब डेसिकेट मतलब होता है रिमूव करना मॉइस्चर को, तो मतलब पानी को रिमूव कर दिया गया, और बस यही मतलब है इसका कि पानी को रिमूव करके जो चीज बनी है। तो फोक एटिमोलॉजी के हिसाब से संस्कृत में ये मतलब है कश्मीर का। लेकिन अकॉर्डिंग टू कलहन, कलहन ने किससे देखा, कलहन को खुद नहीं पता, कलहन ने नीलमत पुराण में देखा, और उनको क्या पता चला, उनने जो कहानी बताई है आगे उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे एक लेक थी बड़ी सी कश्मीर में, इस लेक के अंदर सती नहाती थी, सती को बहुत पसंद था इस लेक के अंदर आना, इस लेक के पास आती थी। कौन सती, सती कौन है, पार्वती का ही रूप है वो, इनकार्नेशन ऑफ पार्वती, तो सती जो है सती माता। तो जब वो यहाँ से चली जाती है शिवा के साथ शादी करके, तो उसके बाद इस लेक में कौन आता है, एक जलोद्भवा, जलोद्भवा जब आता है यहाँ पे, तो उसको ना वरदान था कि उसको पानी के बाहर ही मारा जा सकता है, पानी के अंदर उसको कोई नहीं मार सकता। तो यहाँ पे जो ट्राइब थी, ट्राइब का नाम क्या, मैंने आपको पहले बताया, नागा, नागा ट्राइब थी, नागा ट्राइब बोलते थे इसको, क्योंकि ये नागों की पूजा करते थे। देखो कश्मीर में कितने सारे स्प्रिंग्स हैं, कितने सारे पानी के सोर्सेज हैं, तो जहां जहां भी पानी का कोई सोर्स होता है ना, उसको एंशियंट टाइम में लोग नाग बोलते थे और उसकी बहुत पूजा करते थे। तो ये जो लोग थे ये नागाज थे। तो ये जलोद बाबा जो थे, ये पहले तो ठीक थे, भक्ति भक्ति करके इनने वरदान ले लिया था, और बाद में लोगों को यहाँ पे तंग करते थे। तो क्या हुआ कि इन नागास ने यहाँ पे, यहाँ से एक ऋषि गुजर रहे थे, उनका नाम था कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि जो थे ये सप्तऋषि में से एक थे। आपको पता है सप्तऋषियों की कहानी क्या है, सबसे पहला धरती में कोई अगर योगी हुआ है ना, योगी, योगी आप समझते हो, जो जो सिद्धि जिसको प्राप्त हुई हो, जो एनर्जीज और जो मास और एनर्जीज के ऊपर कंट्रोल कर सकता हो, जो स्पेस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है कहीं पे भी, ऐसे तो ऐसे को बोलते हैं आदि योगी। तो पहले जो, सबसे पहले जो योगी थे वो थे आदि योगी। तो जब उन्होंने देखा कि आदि योगी इतना एक्सटेसी में है, इतना मतलब इतना सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं ये, इनकी तरह हमें भी बनना है, तो जो सीकर्स थे, जो जानना चाहते थे ये रास्ता कि ये क्या रास्ता है, उन्होंने उन्हें कहा कि हमें भी सिखाओ। तो जो जो आदि योगी थे उन्होंने इन लोगों को सिखाया। ये कितने लोग थे, ये थे 7 लोग। इन्होंने भी बहुत जप किया था, लेकिन इनको इनको नहीं पता चल रहा था कि क्या रास्ता है सही में। तो 7 ऋषि थे ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और इन 7 ऋषि, सबसे पहले योगी कौन, आदि योगी शिवा, और उनके जो डिसाइपल थे, मतलब फर्स्ट हैंड बोले सीधे सीधे बागर, इन्होंने जिनको अपनी जो नॉलेज थी वो दी थी, वो 7 ही ऋषि थे, और किसी को नहीं दी थी इन्होंने नॉलेज, चुप करके रहते थे। तो ये जो 7 ऋषि थे, उसके बाद फिर और जो सीकर्स थे, और जो लोग जानना चाहते थे उस चीज को, उस मेडिटेशन को, फिर उनको इन्होंने सिखाई थी, 7 ऋषियों ने सिखाई थी, आदि योगियों ने फिर डायरेक्टली किसी को भी नहीं सिखाया था। तो ये 7 ऋषियों में से एक थे कश्यप ऋषि। तो ये कश्यप ऋषि जब कश्मीर से गुजर रहे थे, कश्मीर में आए, तो यहाँ की जो नागर ट्राइब थी उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसा है, हमें ये राक्षस बहुत सता रहा है, तो आप कुछ करो। तो कश्यप ऋषि समझ गए कि ये मर तो सकता नहीं है पानी के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, बारामूला के ही पास, उस टाइम में उस जगह का नाम था वारामूला, ठीक है, वारामूला। तो वारामूला के पास जो वॉल थी ना, उसको गिराया, ठीक है, उसको थोड़ा सा गेट खोला, वहां से गैप को गैप बनाया, वहां पे वहां से पानी बाहर चला गया, तो सारी ये लेक खाली हो गई। तो जलोद भावा अब एक्सपोज हो गए, और अब उनके साथ युद्ध होता है और उनको मारा जाता है। तो उसकी वजह से फिर लोग जो थे वहां के, उन्होंने इस जगह का नाम रख दिया कश्यपमर।
जगह का नाम क्या रख दिया इन्होंने, कश्यप मर। तो एक ये नीलमत पुराण में मिलता है और ये राजतरंगिणी में भी ये वाला सोर्स मिलता है कि राजतरंगिणी में भी इस तरह की बात इसके इसके बारे में लिखी गई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी या अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो इस लेक का नाम क्या था फिर? सतीसर लेक था। सतीसर, सर्ग मतलब लेक और सती सती माता के नाम पे। तो राजतरंगिणी के बारे में ही लिखा हुआ है यहाँ पे। राजतरंगिणी मैंने आपको बोला था कि देखो इसको 12th सेंचुरी में लिखा गया था। 12th सेंचुरी क्या होती है? जो इससे पहले वाली जो सदी चल रही होती है उसके नाम होते हैं। जैसे 1148 में उन्होंने शुरू किया था काम और 1150 तक कर दिया था इन्होंने पूरा। तो इसके अंदर 7826 वर्सेज हैं और कितनी तरंगे हैं इसमें? 8 तरंगे हैं, मतलब 8 वॉल्यूम समझ लो। राज तरंगिणी का मतलब ही होता है रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स। तरंग होती है ना, तरंग, तरंग का मतलब होता है वेव, तरंग, तरंगिनी मतलब रिवर कोई बह रहा है मतलब, ठीक है? तो किंग्स की स्ट्रीम है समझ लो ये एक किस्म की। और वेव्स, इसके अंदर आठ आठ बुक्स हैं इसकी, मतलब 8 वॉल्यूम है, उनको तरंग बोलते हैं। 8 तरंगे हैं इसकी, 8 तरंगे हैं इसकी। अच्छा, तो सिक्वेल देखो, राजतरंगिणी जो है ना इसको आगे फिर और इसमें चीजें ऐड हुई। देखो क्योंकि जो कल्हण थे इन्होंने राजतरंगिणी कहां से कहां तक लिखी थी? जस्ट बिफोर द महाभारत, जस्ट बिफोर द महाभारत। कहां से कहां तक? मैं सिर्फ इतना लिख रही हूं कि राजतरंगिणी कहां से कहां तक थी। जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ महाभारत से लेकर कहां तक लिखा है इन्होंने? टू द संग्राम देवा तक। संग्राम देवा का जो, संग्राम देवा का जो राज था ना वहां तक लिखा। लेकिन उसके बाद जब इनकी हो जाती है डेथ, तो अब कहानी क्या हुई? इनकी डेथ के बाद राजा तो उसके बाद भी बने हैं ना लोग, तो राजाओं के बारे में आगे भी लिखा जाना चाहिए। तो क्या हुआ, जो जिसको ध्यान होगा कि लिखी जानी चाहिए हिस्ट्री, उनमें से एक राजा थे जैन उल अब्दीन। इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे डिटेल में, हर एक की जो डायनेस्टी थी ना सबके बारे में डिटेल में देखा जाएगा। तो जो सुल्तान जैन उल अब्दीन थे, इन्होंने इन्होंने कहा जोना राजा को कि आप उसके आगे का उसी नाम से कंटिन्यू करो और लिखो। तो इन्होंने इन्होंने लिखा 1150 से लेके 1449 तक। किसने लिखा? जोना राजा ने। तो क्या बोलेंगे उसको? द्वितीय, द्वितीय राजतरंगिणी, द्वितीय राजतरंगिणी लिखी इन्होंने। किसने? जोना राजा ने, जोना राजा ने, जोना राजा ने। फिर उसके बाद जैना राजतरंगिणी भाई श्रीवारा ने, श्रीवारा ने लिखी। उसके बाद 1400 जोना राजा की डेथ के बाद उनके जो स्टूडेंट थे श्रीवारा पंडित, श्रीवारा पंडित ने फिर 1449 के आगे की जो हिस्ट्री थी 1449 से लेके 1486 तक, देखो यहाँ पे लिख दिया है 1486 तक, किसने लिखी? श्रीवार पंडित ने लिखी। और इसको बोलेंगे तृतीया, तृतीय राजतरंगिणी, क्योंकि तीसरी राजतरंगिणी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, सुक जो थे ना, सुका, सुका जो थे, इन्होंने आगे लिखा। किसके आगे लिखा इन्होंने? क्या हुआ था ना, राजा वली पत का भाई प्रज्ञा भट्ट, प्रज्ञा भट्ट जो थे, इन्होंने भी कश्मीर के बारे में कुछ अकाउंट दिया था 1486 से लेके 1512 तक। किसने? प्रज्ञा भट्ट। तो प्रज्ञा भट्ट के ही काम को सूका ने थोड़ा सा और आगे लिया और उन्होंने फोर्थ राजतरंगिणी लिख डाली। इसको चतुर्था बोलते हैं, चतुर्था, चतुर्था चार के लिए बोलते हैं। तो चतुर्था राजतरंगिणी लिख डाली किसने? सूका ने। और ये कहां पे खत्म होती है सूका की राजतरंगिणी? जब असफ खान कश्मीर आते हैं, असफ खान तक ये रहती है। ये कौन थे, कैसे थे, उनके बारे में आगे देखेंगे। और बाद में इन्होंने मुगल एम्पायर्स के बारे में भी इन बुक्स में लिखा गया है। लेकिन जो मेन राजतरंगिणी थी, पहली राजतरंगिणी थी, वो कलहन ने लिखी थी और वो संग्राम देवा के एरर तक ही लिखी थी। संग्राम देवा तक, महाभारत से पहले और संग्राम देवा के टाइम तक इतनी सी थी, क्योंकि उसके बाद तो वो मर गए थे ना, उनकी डेथ हो गई थी कलहन की। तो ज्यादा वो आगे के राजाओं के बारे में वो कैसे लिखते? तो कई बार लिखा पूछा जाता है कि जो द्वितीय राजतरंगिणी थी वो किसने लिखी थी, या मैच द फॉलोइंग आके आ जाता है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो उनमें ये मैच करने के लिए सिक्वेंस दिया जाता है। तो आई होप राजतरंगिणी के बारे में आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब थोड़ा सा कश्मीर, ये जो नाम पड़ा है कश्मीर को, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो पहले ना, जो कैस्पा पायरोस, कैस्पा पायरोस बोला था कश्मीर को हिकेटियस ने, ये भी ग्रीक लोग थे। और
और जो कस्पा टाइरोस बोला था हीरोडोटस ने, हीरोडोटस जो थे ना ये फादर ऑफ हिस्ट्री भी हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, ये ग्रीक थे, ग्रीक हिस्टोरियन, फादर ऑफ हिस्ट्री, उनको बहुत इंटरेस्ट था हिस्ट्री वगैरह जानने में। अच्छा, तो कश्मीर टॉलेमी ने कैस्पीरिया बोला। टॉलेमी भी बहुत बड़े ज्योग्राफर थे, बहुत बड़े ये भी मैथमेटिशियन हुए थे, तो इन्होंने इसको कैस्पीरिया बोला। और बहुत सारे जो यूरोपियन और इंग्लिश लोग आए, इन्होंने इसको कैश्मीर बोला, कैश्मीर, कैश्मीर। खैर, स्पेलिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी। ह्यून संग जो थे ना, ये चाइनीज ट्रेवलर थे, ये इंडिया में जब आए थे तो इन्होंने इसको काशी मिलो बोला। क्या बोला? काशी मिलो, काशी मिलो। और कश्मीर के लोगों के लिए एक इन्होंने एक ही सेंटेंस में उनकी डेफिनेशन बता दी थी। क्या बोला था? क्लेवर बट कनिंग, चालाक और कनिंग के लिए क्या बोलेंगे, श्रूड थे, मतलब उनके अकॉर्डिंग। मैं नहीं कह रही ये चीज़ है, ये ह्यून संग ने बोला था, जो 2 साल तक कश्मीर में रहे थे। तो इन्होंने कशी मिलो बोला था। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि हीरोडोटस ने क्या कहा था कश्मीर के लिए, या ह्यून संग ने क्या नाम दिया था कश्मीर को, या किसने कशी मिलो कह दिया। तो ये लोग थे, मतलब बाहर के लोग भी थे जो कश्मीर के बारे में इन्होंने लिखा है अपने अपने बुक्स में, तो वहां से हमने ये लिया है डेटा। कश्मीर में मेगालिथिक एज भी देखी गई थी। बड़े बड़े पत्थर लोग क्या करते थे, अपने पास खड़े करके रख देते थे, तो इनको मेनहिर बोलते थे। मेनहिर लिखा नहीं है यहाँ पे इस जो पेज है ना, मेनहिर, मेनहिर्स बोलते थे ये। जब भी कोई बड़ा नोटेबल इवेंट होता था तो लोग इसकी याद में बड़े बड़े पत्थर रखते थे, बहुत पहाड़ी से लाते थे ये बड़े बड़े, और वहां पे खड़े कर देते थे ये अपने जहाँ पे सेटलमेंट होती थी इनकी। तो इन रॉक्स होती थी, बहुत मैसिव रॉक होती थी, मतलब बहुत बड़े बड़े बोल्डर होते थे ये। तो इसको मतलब मेगालिथिक फेज बोलते, जब बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे लोग, तो मेनहिर बोलते हैं इसको, मेनहिर। अच्छा, तो दरअसल कुछ रिकॉर्ड्स में ये बताते हैं कि 200 साल तक ग्रीक्स ने भी इंडिया पे, सॉरी कश्मीर पे राज किया था। और कहते हैं कि जब पोरस थे ना, पोरस ने कश्मीर के राजा अबीसेर्स को कहा था कि मेरी सपोर्ट कर, यहाँ पे अलेक्जेंडर जो है वो हमला करने के लिए आ रहा है, तो उसमें इन्होंने इसकी हेल्प नहीं करी थी। फिर पोरस ने और भी राजाओं को कहा आसपास के, किसी ने भी इनकी हेल्प नहीं की, और पोरस लड़े थे। पोरस कौन थे बेसिकली? पोरस जो थे ना, वो चिनाब, चिनाब और जेहलम के बीच में जो किंगडम आता है उसके वो राजा थे। कौन? पोरस। और बैटल ऑफ जेहलम में वो हार गए थे सिकंदर से, मतलब अलेक्जेंडर से वो हार गए थे उस बैटल में, लेकिन थे बहुत बहादुर, कोई उनका साथ नहीं दिया था। राजा अम्बी को भी कहा था उन्होंने टैक्सिला के, टैक्सिला जो था ना, तक्षशिला या तक्षिला, बहुत बड़ा सेंटर था लर्निंग का वो भी पहले टाइम में, और मौर्यन टाइम में भी बहुत बड़ा सेंटर माना जाता था तक्षशिला को। कौटिल्या ने भी वहां पे जाके पढ़ाई करी थी। तो कहते हैं कि चिनाब और जेहलम के बीच में इनका किंगडम था, और इन्होंने जब अम्बी को कहा, अम्बी का किंगडम कहाँ कहाँ था? जेहलम के दूसरी तरफ था, मतलब एक तरफ चिनाब और जेहलम के बीच में पोरस थे, और ये जेहलम और इंडस के बीच में अम्बी थे। अम्बी जो थे ना, जेहलम और इंडस के बीच में, मतलब नॉर्थ साइड में थे, तो इनका किंगडम था। तो अम्बी ने इनकी हेल्प नहीं की, अम्बी बहुत बड़ा राजा था वहां का, और किसी ने भी नहीं की बेसिकली, तो ये हार गए थे, पोरस जो थे वो हार गए थे इससे। तो और फिर हारने के बाद क्या हुआ, कश्मीर के राजा ने उस सबमिट कर दिया खुद को अलेक्जेंडर के सामने, और उसको बहुत सारी दौलत दी, बहुत सारे एलिफेंट दिए। ये ग्रीक के रिकॉर्ड में मिलता है, ग्रीक्स ने जो अपनी किताबों में लिखा है वहां मिलता है ये जो चीजें हैं अभी जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, फिर कलहन क्या कहते हैं, जो पहला रूलर था कश्मीर का वो गोनंद था, गोनंद, गोनंदा वन जो था वो कश्मीर का पहला रूलर था। कहानी क्या है ना, जो गोनंदा होता है वन, तो वो कुरुक्षेत्र के वॉर के टाइम में ये गोनंदा वन होते हैं, थोड़ा सा उससे पहले होते हैं बेसिकली। फिर गोनंदा टू आते हैं, गोनंदा टू से पहले गोनंदा के बेटा होता दामोदर, तो दामोदर भी जब हार जाता है युद्ध में कृष्णा की सेना से, तो फिर आता है गोनंदा सेकंड। तो गोनंदा जो सेकंड होता है ना, ये गोनंदा सेकंड के आने से पहले इसकी जो माँ होती है, यशोवती नाम होता है इसका, यशोवती। तो यशोवती जो होती है ये क्वीन बनती है, कुछ 5-6 महीने के टाइम के लिए ये क्वीन बनती है यहाँ पे, और फिर जब उसका बेटा होता है गोनंदा सेकंड, फिर वो बनता है यहाँ का राजा। ठीक,
और फिर तो उसके बाद फिर बोलते हैं कि 35 ऐसे राजा थे, 35 राजा घोड़ेन्द्र डायनेस्टी के हुए थे, जिनका नाम इनको नहीं मालूम कलहन को, क्योंकि वो लॉस्ट हो गया था, वो जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड लॉस्ट, तो रिकॉर्ड नहीं मिला था इसलिए उनके बारे में उन्होंने नहीं लिखा है। फिर जिनके बारे में उन्होंने लिखा है वो आगे है, उन्होंने लिखा अशोका के बारे में, तो अशोका के बारे में इन्होंने लिखा, और इनको भी ये गोनंदिया ही बोलते हैं, गोनंदिया डायनेस्टी का ही मानते हैं अशोका को भी, और बोलते हैं कि कम से कम 1200 BC की बात है ये, 1200 BC की बात। तो असली में वो जब इसका इसके बारे में वर्णन करते हैं कि वो बुद्धिस्ट थे, उन्होंने बुद्धिज्म फैलाया था, स्टूप्स बनाए, विहार बनाए, तो मॉडर्न जो हिस्टोरियन है वो इसको मौर्यन एम्पायर अशोका से रिलेट करते हैं, वो कहते हैं कि ये 1200 साल पहले नहीं, 250 साल पहले वाला अशोका है और वो मौर्यन एम्पायर वाला अशोका है। ठीक है, ग्रेट एम्पायर अशोका की बात कर रहे हैं, और टाइम थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हो गया है यहाँ पे, मतलब मालूम नहीं चला है टाइम के हिसाब से, तो इसलिए फिर हम अब हम जब मौर्य एम्पायर देखेंगे ना, तो मौर्यन एम्पायर के अंदर इसको हम स्टडी करेंगे, क्योंकि जितने भी फीचर कलहन ने यहाँ पे बताए हैं जो भी चीजें, वो सारी तो मौर्यन एम्पायर वाले अशोका ने करी थी। ठीक है, तो इसलिए हम अब मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे कश्मीर के लिए। पहला राजा लेकिन गोनंदा वन था। आपने ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट फर्स्ट जो रूलर था कश्मीर का वो कौन था, वो है गोनंदा वन। ठीक है, गोनंदा डायनेस्टी का गोनंदा वन पहला रूलर था कश्मीर का। इसका वैसे बहुत और भी बड़ा मतलब रूल था इसका गोनंदा डायनेस्टी का, तो ये इन्होंने यहाँ पे भी राज किया है कश्मीर में भी। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चले मौर्यन एम्पायर की बात करें, अगर तो मौर्यन एम्पायर में कौन था, सबसे पहले अशोका था, अशोका कश्मीर आया था। इस पेज में ना कुछ ज्यादा लिखा हुआ है, आपने इस पे नहीं जाना है। ठीक है, तो इतना यहां से आपने नहीं करना है, मैं आपको बता देती हूँ मेन मेन चीज क्या है वो आपने याद रखनी है। तो ये गोनंदिया मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कलहन इसको गोनंदिया ही बोलते हैं, कलहन के अकॉर्डिंग ये गोनंदा डायनेस्टी के ही है और 1200 BC के बंदे हैं, मतलब ये कलहन के टाइम से 2000 साल पहले के हैं, कलहन के टाइम से 2 मिलेनियल लिखा था उन्होंने वहां पे। बट असली में जितने भी इसके फीचर हैं वो मौर्यन रूल से मिलते हैं, तो इसलिए हम उसे गोनंदिया नहीं मानेंगे, मौर्यन एम्पायर अशोका मानेंगे। ठीक, ये बुद्धिस्ट डिवोट थे काफी ज्यादा। तो मैं बता देती हूँ कि मौर्यन एम्पायर ने कश्मीर में ये कब कब से आए थे। मौर्यन एम्पायर ऑन दी होल अगर पूरे इंडिया में देखो तो चंद्रगुप्ता ने शुरू किया था, चंद्रगुप्ता मौर्य ने इसको शुरू किया था, फिर उनके बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोका, और अशोका आया था कश्मीर में। अशोका का बेटा कौन, जालुका, ये कहानी है। और अब देखो है कि 304 से लेके 232 तक इनका राज था कश्मीर में, और अशोका ने क्या क्या फाउंड किया था। अशोका फाउंडेड हेयर पांड्रेथन, पांड्रेथन क्या होती है, ओल्ड ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर इनने फॉर्म की थी, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पांड्रेथन बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन आता है कब, कई बार मैच द फॉलोइंग में, कई बार सीधे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन होता है कि पांड्रेथन किसने बनाई थी। पुरिंडिस्तान भी बोलते हैं इसको, पुरिंडिस्तान, पुरिंडिस्तान। देखो इनके बारे में बहुत ज्यादा रिटन रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुझे हाथ से लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, तो जो मैं बोल रही हूँ ना आप वो सुनना ज्यादातर, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो पांड्रेथन जो है या पुरिंदिस्तान, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर फॉर्म की थी अशोका ने। यहाँ से एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं, और स्टूप्स वगैरह बनाए थे वो तो मैंने बताई दिया आपको। विजेश्वरी टेम्पल बनाया था इनने, एक विजेश्वरी में एक टेम्पल बनाया था, विजेश्वरी, आज इस जगह का नाम है ब्रिज बहारा। ठीक है, ब्रिज नहीं, बिज बहारा, कहाँ पे है ये जगह आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, बिज बहारा। तो विजेश्वरी ये भी हो गया, शिवा का टेम्पल था ये, शिवा टेम्पल बनाया था इन्होंने, खुद बुद्धिस्ट थे लेकिन शिवा का टेम्पल इन्होंने बनाया था। अच्छा, अशोका के बाद आया दामोदर, तो दामोदर सेकंड ने यहाँ पे एक बड़ा सा पैलेस भी बनाया था, लेकिन उनका कोई बात नहीं, उनकी जरूरत नहीं है याद रखने की आपको दामोदर, इनकी ये बहुत। उसके बाद फिर वीक रूलर आ गए और ये राज यहाँ पे खत्म हो गया, खास करके इनका मौर्यास का रूल जो था कश्मीर के अंदर ये खत्म हो गया। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो रूल आता है ना मेन,
वो आता है कनिष्का का। तो तीन रूलर होते हैं वैसे तो, मैं तीनों तीनों का नाम यहाँ लिख देती हूँ। तीन रूलर होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से होते हैं, एक हुस्का, एक होते हैं हुस्का, दूसरे होते हैं जुष्का, नाम भी देखो थोड़े से अजीब से हैं, और कुशन और कनिष्क। तो मैंने सिर्फ वही वही चीज़ें यहाँ से आपको लिखवाई हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं इनके बारे में, और चीज़ें मैंने इनके बारे में। अच्छा जी, अब देखो ध्यान से, हुस्का ने क्या बनाया, हुस्का पूरा, मैं एच पूरा लिख रही हूँ, समझ आना, हुस्का पूरा। इन्होंने ये फाउंड की जगह जुस्का ने बनाया जुस्का पूरा, जे जिसका पूरा, और कनिष्का ने बना दी कनिष्क पूरा। इन्होंने ये जगह बनाई थी। और फोर्थ, बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई थी वो भी कश्मीर में ही हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये, कुंडल वन, इस जगह का नाम था कुंडल, कुंडल वन, कुंडल वन जगह का नाम था, या हरवन बोलते हैं आजकल इस जगह को, हरवन, हरवन या कुंडल वन। तो कुंडल वन में हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसमें इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वासुमित्र, वासुमित्र जो थे ना ये प्रेसिडेंट थे इस काउंसिल के, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थे, कनिष्क के टाइम में हुई थी ये। कनिष्क का रेन देखो 127 से लेके 151 CE तक था, मतलब AD की बात हो रही है, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले साल शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे इस बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन कौन आए थे, अश्वघोष आए थे, नागार्जुन आए थे, वसुमित्र आए थे, जुना मित्र आए थे, जुना मित्र ये बहुत बड़े स्कॉलर्स हुआ करते थे ये लोग। तो वसुबंधु, वसुबंधु थे, वसुबंधु ये आए थे उसमें, नागार्जुना, अश्वघोषा, विश्वामित्र, ये आप मेन मेन चीजें आप याद रखो यहाँ से, इतना ही। और इसके अंदर 500 मार्क्स आए थे यहाँ पे, 500 बुद्धिस्ट मार्क्स। कुशन एम्पायर था ना लास्ट रूलर इनका, अगर हम देखें तो ये था वसुदेवा। तो इनके बाद क्या हुआ, हुन्स आ गए थे इसके बाद, जो है ना हुन्स आ गए थे। हुन्स कौन थे, नोमेडिक लोग थे, नोमेडिक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से नोमेडिक ट्राइब थी। हुन्स की मैं अगर बात करूं तो उनसे पहले आप देख लो, इस टाइम में जब कनिष्का वगैरह थे उसके बाद का टाइम देख लो, इस टाइम में ना कश्मीर में बुद्धिज्म बहुत ज्यादा अच्छे से फैल रहा था, ठीक है। हिंदुइज्म तो था ही, बुद्धिज्म भी, और इनकी जो डीप स्टडी थी ना वो बहुत ज्यादा उभर के सामने आ रही थी। तो ये लर्निंग सेंटर हो चुके थे तब तक, दूर दूर से यहाँ पे लोग सीखने के लिए आते थे, जानने के लिए आते थे धर्म को। तो तिब्बत और चाइना से भी लोग आते थे यहाँ पे पिलग्रिम्स सीखने के लिए। तो कुमारा जीवा जो थे ये एक रिनाउंड कश्मीरी स्कॉलर हुए थे जो चाइना गए थे, और वहां पे उन्होंने चाइना के एम्पायर को भी मतलब इन्फ्लुएंस कर लिया था अपने रिलीजन से, और वहां पे उन्होंने बहुत सारे जो संस्कृत वर्क थे वो चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट करके दिए थे उनको छनगन मोनेस्ट्री के अंदर। तो कुमारा जीवा कश्मीरी स्कॉलर इनकी ट्राइब का, वो हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करके आया, और उसने बहुत सारा पार्ट वेस्टर्न इंडिया का, कश्मीर भी सब ले लिया, ठीक है, कश्मीर भी अपने अंदर कर दिया। इसका एक बेटा था मिहिरकुला, मिहिरकुला जो था इसका बेटा था किसका, तोमराना का। तो तोमराना का जो बेटा मिहिरकुला था ना, इसको बहुत ज्यादा मिलिट्री एक्सपेडिशन का शौक चढ़ा, और ये चला जाता है नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर करने। उसको बालादित्य जो था मगधा का, उसने भी अपोज किया, वहां पे ठीक ठाक लड़ा वो इससे, और यशोधर्मन जो था मालवा का। अब इतना डिटेल में नहीं भी करोगे ना यहाँ, सीधा इतना याद रखो कि नॉर्थ इंडिया को और इंडिया में जब ये गया नीचे, वेस्टर्न इंडिया तो ले लिया था इन्होंने, लेकिन नॉर्थ इंडिया को जब ये कैप्चर करने गया तो हार के वापस आ गया, बस इतना याद रखना। और जैसे ही हार के वापस आया तो इसको राज तो इसको करना ही था, इसने क्या किया, अपने ही राजा का तख्ता कर दिया पलट, तोमराना का तख्ता पलट गया, खुद वहां पे राजा बन गया, और आसपास गंधार वगैरह जो था नॉर्थ साइड में उसको भी कैप्चर किया, और यहाँ पे बहुत सारे जुल्म इसने कमाए, ठीक, बहुत जुल्म कमाए इसने, एट्रोसिटीज करी बुद्धिज्म के ऊपर, बहुत सारे श्राइन इनके नाश कर दिए इसने, और हुंस का जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो गया इसी की डेथ के साथ। हुंस में सिर्फ आपने एक बंदा याद रखना है जिसका नाम है मिहिरकुला, मिहिरकुला याद रखना है आपने हुंस का सिर्फ। अच्छा, तो इससे पहले जब आप गोनंदा के बारे में देख रहे थे ना, गोनंदा के बारे में कहाँ पे थी मैं,
यहाँ पे गोनंदा के बारे में। तो गोनंदा डायनेस्टी में और भी राजा हुए थे, तो और भी जो राजा हुए थे उनमें से इम्पोर्टेंट है मेघवाहन, एक नाम मेघवाहन एक नाम है, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट रूलर थे यहाँ के। तो प्रिवार सेना और प्रवार सेना टू, ये प्रवार सेना टू, प्रवार सेना वन भी था और टू भी था। तो टू वाले ने क्या किया था, टू वाले ने यहाँ पे एक सिटी फॉर्म की थी जिसका नाम था प्रवार सेनपुर, प्रवारा सेना पूरा, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर, मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर, प्रवार सेना। ये प्रवार सेना टू ने बनाई थी, प्रवार सेन पूरा मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर इसने बनाई थी। ये चीज़ में ना उस वक्त बताना थोड़ा सा मुझे स्किप हो गया था। ये तो मेघवाहन जो थे इन्होंने हंटिंग ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स बैन कर दिया था। मेघवाहन ने क्या किया था, मैं इसके बारे में यहाँ लिख देती हूँ। तो बैंड कह दो या प्रोहिबिटेड कह दो, प्रोहिबिटेड ज्यादा सही वर्ड होगा। प्रोहिबिट किया था, क्या किया था प्रोहिबिट, हंटिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले यही थे जिन्होंने किया था हंटिंग ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोहिबिट। तो ये थे गोनंद डायनेस्टी के कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स। तो हम कहाँ थे, हुंस पे थे ना, हम हुंस के बारे में देख रहे थे, नोमैडिक लोग थे। तो मिहिरकुल के बाद तो इनका राज यहाँ पे खत्म हो जाता है। और उस कारकुटा जो थे ना, कारकुटा, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको, देखो इससे पहले जो भी एम्पायर ने कश्मीर पे राज किया है वो ऑन दी होल कोई बड़ा एम्पायर होता था, बड़ी कंट्री होती थी, और कश्मीर को भी उसका छोटा सा एक हिस्सा बना लेते थे। तो इंडिपेंडेंट कश्मीर नहीं था, एक एज अ स्टेट मतलब होता था, एज अ प्रोविंस होता था कश्मीर उन बड़े बड़े देशों का, ठीक है। लेकिन करकुटा डायनेस्टी ऐसी आई जो इंडिपेंडेंट थी, जो सिर्फ कश्मीर की ही थी, और कश्मीर की पहली इंडिपेंडेंट अगर कोई डायनेस्टी हुई, कश्मीर बिल्कुल इंडिपेंडेंट था तो करकुटा डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट था कश्मीर इस टाइम पे, इंडिपेंडेंट। कोई बड़ी डायनेस्टी इसके ऊपर राज नहीं कर रही थी जो कहीं और भी कर रही हो और कश्मीर उसका हिस्सा हो, ऐसा नहीं था। कश्मीर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट किंगडम था इस टाइम पे, किंगडम। तो करकुटा ऐसी पहली डायनेस्टी हुई फिर उस हिसाब से। तो कार किसने फाउंड की थी कारकुटा डायनेस्टी, दुर्लभ वर्धन ने, सॉरी दुर्लभ वर्धन ने। और इसकी अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो 598 से लेकर 634 तक आती है, 598 से लेकर 634 एडी तक ये टाइमलाइन आती है। और इन्हीं के टाइम में ह्यून संग यहाँ पे विजिट करे थे। कौन विजिट करा था, ह्यून संग जो चाइनीज ट्रेवलर थे ना, इन्हीं के टाइम में कश्मीर विजिट करे थे। ये 2 साल तक यहाँ रहे, 2 साल तक रहे यहाँ पे। और स्टडी क्या क्या इन्होंने यहाँ पे, संस्कृत, संस्कृत स्टडी करी थी इन्होंने यहाँ पे, और भी जो स्क्रिप्चर्स थे यहाँ के हिंदू स्क्रिप्चर्स वो इन्होंने पढ़े यहाँ। तो ये थे ह्यून संग के बारे में। अच्छा, तो सबसे बड़ा जो रूलर था इस डायनेस्टी का वो था ललितादित्य मुक्तपिड़ा। तो मैं यहाँ पे इनका नाम लिख ही देती हूँ, मार्टंड, मार्टंड टेम्पल है ये, मार्टंड टेम्पल, मार्टंड टेम्पल बनाया था इन्होंने मार्टंड में। और एक बनाया था इन्होंने परिहसपुर, सिटी ऑफ प्लेजर बनाई थी, एक बनाई थी इन्होंने परिहसपुर, परिहसपुर का मतलब है सिटी ऑफ प्लेजर। सिटी ऑफ प्लेजर बोलते हैं इसे। और इन्होंने एक मुक्तेश्वर टेम्पल बनाया था, मुक्तेश्वर टेम्पल बनाया था इन्होंने, जिसको बाद में कहते हैं कि जो सिकंदर, सुल्तान सिकंदर थे, इन्होंने इसको डिमोलिश कर दिया था। तो खैर ये एक हिस्ट्री है, फॉर गॉड सेक, आप पुराने लोगों के लिए अपने मन में कुछ ग्रजिस नहीं लेके आना। किसी ने कुछ भी किया हो उसको सिर्फ आपने पढ़ना है, यहाँ से आपने अगर कुछ क्या बोलते हैं, फॉरगिव देम, फॉरगिव ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो आज नहीं है यहाँ पे हमारे सामने, उन सबको फॉरगिव कर दो। और फॉरगेट करना हो ना करना हो आपकी बात है, क्योंकि आपने एग्जाम देना है तो आप उनको भूल नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, अपने मन में किसी के लिए कुछ गजी रखने की जरूरत नहीं है, ये पुराना टाइम था, आज के टाइम में आपको शांति से इसको याद रखना है, आपके एग्जाम के हिसाब से क्या जरूरी है वो देखना है बस। तो मार्टंड सन टेम्पल, ये
सन टेम्पल है, जो मार्टिन टेम्पल है ना, ये सन टेम्पल है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्टिन किस किस डिटी का टेम्पल है, तो ये सन टेम्पल है। सन टेम्पल वन ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल ऑन दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये मंदिर था। किसने फाउंड की थी? दुर्लभ वर्धन ने। और इसके प्रताप आदित्य जो राजा थे यहाँ पे, इन्होंने प्रतापपुरा बनाया था, प्रतापपुरा टाउन बनाया था इन्होंने, प्रतापपुरा टाउन जिसको आज टपर बोलते हैं, टपर। अच्छा, इनके इनकी इनके टाइम में यहाँ पे ह्यूम संग आए थे, तो ये तो पहले बता दिया हमने, ह्यून संग आए थे। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंगडम था, फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंगडम था, फिर से आप याद रखो इनके बारे में, फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंगडम था कर्कोट डायनेस्टी वाला। अच्छा, तो ये ललितादित्य जो थे, इनके ग्रेटेस्ट ललितादित्य जो थे ना, ललितादित्य मुक्त पीड़ा नाम था इनका, मुक्त पीड़ा, ये ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। और इनको समुद्रगुप्ता भी बोलते थे, समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, वो है ललितादित्य। समुद्रगुप्ता कौन थे? देखो, समुद्रगुप्ता जो थे ना, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, और इन्होंने पूरा इंडिया एक बार फिर से यूनाइट कर दिया था। मौर्यास के बाद गुप्ता जी थे जिन्होंने पूरा इंडिया फिर से यूनाइट किया था। जो समुद्रगुप्ता थे ना ओरिजिनल में, गुप्ता डायनेस्टी के, उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते थे। और यहाँ ललितादित्य मुक्त पीड़ा को, ललितादित्य मुक्त पीड़ा को क्या बोलते थे? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, एक चीज। और दूसरा, इन्होंने किया क्या क्या था? ललितादित्य ने पंजाब इन्होंने फतेह कर लिया था, कन्नौज फतेह कर लिया था इन्होंने, कन्नौज के साथ साथ इन्होंने और भी एरियाज जैसे कि लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया, गौडा, गौडा तो बंगाल वाला एरिया आता है, गौडा ले लिया था, कलिंगा, कलिंगा उड़ीसा में आता है, कलिंगा ले लिया था। फिर साउथ इंडिया की भी कुछ जगह थी जो इन्होंने ले ली थी, जो कैप्चर कर ली थी इन्होंने। गुजरात, गुजरात में भी राज था, फिर मालवा में भी था, मालवा में भी था, सिंध में भी था, सिंध में कुछ नहीं छोड़ा था लगभग इन्होंने, सारी ही जगह इन्होंने कैप्चर कर ली थी जहां भी ये जाते थे। इनके चीफ का नाम था चनकुरिया, चनकुरिया इनके जो थे कमांडर इन चीफ थे, इनकी फौज के कमांडर इन चीफ किसके थे ना, डमरस। ये लोगों को परेशान करते थे, ये यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ये होते थे फ्यूडल लॉर्ड्स, बड़े बड़े जमींदार वगैरह, तो ये लोगों को करते थे परेशान। तो इन्होंने इन्हीं ने इन सब जो ये ललितादित्य हैं, इन्होंने इनको सुप्रेस कर दिया था। क्या किया था? इनको सुप्रेस कर दिया था इनको, और लोगों के लिए इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे। तो लोगों के लिए क्या क्या अच्छे काम किए थे ये भी देख लो एक बार सिर्फ। तो अच्छे काम क्या क्या किए थे इन्होंने? इन्होंने किया था झेलम डिसिल्टेड कर, झेलम को साफ किया था इन्होंने, झेलम डिसिल्टेड। लोगों को फ्लड से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया? बंड्स बनाए थे इन्होंने लो लाइंग एरियाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी दीवारें ऐसी बना दी थी, बंड्स इन लो लाइंग एरियाज, लो लाइंग एरियाज में इन्होंने बंड्स बना लिए थे। और इन्होंने टेम्पल बनाया था खीर भवानी मंदिर के पास ही, टेम्पल तो बनवाए थे, टेम्पल बनवाए थे इन्होंने, काफी सारे टेम्पल बनाए थे। कौन एक बनाया था इन्होंने? मार्टिन सन टेम्पल, फिर से एक बार मैं रिवाइज ही कर रही हूँ ये चीजें। मार्टन टेम्पल बनाया था एक इन्होंने मटन करेवा में, और दूसरा इन्होंने बनाया था एक मुक्तेश्वर टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल बनाया था। अच्छा, कुछ और चीजें भी बनाई थी इन्होंने, मतलब कुछ और चीजें बनाई थी इन्होंने, जैसे परिहसपुर बनाया था इन्होंने, सिटी ऑफ प्लेजर, परिहसपुर जिसको सिटी ऑफ प्लेजर भी बोलते हैं, सिटी ऑफ प्लेजर। एग्जाम में इस टॉपिक में से इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता। जो जो लास्ट रूलर थे यहाँ के, लास्ट रूलर वो थे संग्राम पिड़ा,
संग्राम पिला जो थे लास्ट रूलर थे इनके। तो और ये जो डायनेस्टी थी लगभग 855 एडी तक चली थी, लगभग 855 एडी तक ये चली थी। इसके टाइम में कश्मीर में शैविज्म मतलब शिवा को जो कल्चर था वो चल रहा था ज्यादा, और बुद्धिज्म चल रहा था उस टाइम में। उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो ये एंशियंट हिस्ट्री का ये जो पार्ट है ये हुआ खत्म। देखो ये मौरियन देखा हमने, कुशन देख लिया, हुंस देख लिया और कारकोट देख लिया। तो कारकुटा जो थे ये लास्ट एंशियंट हिस्ट्री के लास्ट रूलर थे ये। इस पार्ट में से जो जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो जो क्वेश्चन पहले देखे जा चुके हैं वही वो हमने कर दिए हैं। जैसे मौर्यन एम्पायर में क्या था, उन्होंने ओल्ड सिटी पांड्रेथन फॉर्म की थी, कश्मीर में अंदर बनाई थी, स्टूप्स बनाए थे और विहार बनाए थे, बुद्धिज्म को फैलाया था। कनिष्क कुशन डायनेस्टी में कनिष्क रूलर सबसे प्रोमिनेंट थे और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल उनके राज में हुई थी। फिर हेपलित सुन्स में अपने मेहरकुला को याद रखना है, जो जिन्होंने बहुत सारे श्राइन तोड़ दिए थे, जुल्म बहुत ज्यादा ढाए थे लोगों के ऊपर। फिर करकुटा डायनेस्टी आई, उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे काम किए थे, और यहाँ पे इन्होंने मंदिर बनाए, सिटीज बसाई, परिसापुर बनाई, मार्टिन सन टेम्पल बनाया, मुक्तेश्वर टेम्पल बनाया, जहलम को साफ करवाया, डिसिल्ट करवाया, बंड बनवाए ताकि यहाँ पे फ्लड ना आए, और यहाँ पे जो डमरस थे, फ्यूडल लॉर्ड का सिस्टम था जो लोगों को परेशान करते थे, उनको भी इन्होंने सुप्रेस कर दिया, और पहला इंडिपेंडेंट जो किंगडम था कश्मीर का ये करकुटा ही था। फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंगडम जो था कश्मीर का ये करकुटा डायनेस्टी ही थी। 855 एडी तक ही चली थी। और चाइनीज जो ट्रेवलर थे वो भी इसी के राज में आए थे, ह्यून संग इसी के राज में आए थे, ह्यून संग। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसके टाइम में आए थे, तो दुर्लभ वर्धन जो राजा थे ना करकुटा डायनेस्टी के, जो फाउंडर थे दुर्लभ वर्धन, उनके राज में आए थे ह्यून संग। यहाँ से यही वाले क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि मार्टिन सन टेम्पल किसने बनाया था, ये पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि सबसे स्ट्रांग किंग कौन था, तो सबसे स्ट्रांग कौन था, ललितादित्य मुक्तपिड़ा, और बाकी लोग जो बहुत ज्यादा वीक रूलर्स थे ज्यादातर इस यहाँ के, तो फ्यूडल लॉर्ड्स को इन्होंने खत्म कर दिया। लास्ट रूलर था इनका संग्रामापिड़ा, इसके बारे में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले फाउंडर पूछते हैं, या स्ट्रांग किंगडम, या समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसके साथ ही हमारा एंशियंट हिस्ट्री का ये पार्ट होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम मिडीवल हिस्ट्री को लेके, और जो जो इस टाइम में एंशियंट टाइम में जो कल्चर जिस तरह से इवॉल्व हो रहा था, जो जो उभर रहे थे कल्चर यहाँ पे बुद्धिज्म के, और जो शैविज्म जो कल्चर हुआ था शुरू, शैवाइट कल्चर जिसको बोलते हैं, उसके बारे में भी जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं उनकी बात हम अगले पार्ट में कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।